मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अपना ये जो अभ्यास है 10.2 उसके प्रश्न दो को करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको प्रश्न पहला करवाया था जिसमें मैंने आपको बिल बनवाया था, और आज की क्लास में भी मैं आपको प्रश्न दूसरा करवाऊंगी जिसमें भी आपको बिल ही बनाना है। प्रश्न तीसरा और चौथा जो है उसमें बिल पहले से ही बना हुआ है और उसमें आपको करेक्शंस करने हैं। तो एक क्वेश्चन आपको खुद को करना है, मैं वापस आपको बिल बनाना बता देती हूँ कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक परफॉर्मा बनाया हुआ है बिल का, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से बनाना है, मैं एक बार आपको वापस बता देती हूँ आपको कॉपी में किस तरीके से बनाना है। आपको अपनी कॉपी को इस तरीके से लेना है क्योंकि इस तरीके से आपकी जो है ये बिल का परफॉर्मा वो बन नहीं पाएगा। तो आपको इस तरीके से कॉपी में लेकर आपको ऐसे बनाना है। सबसे फर्स्ट ये ऊपर लाइन बनाएंगे, जस्ट उसके नीचे एक लाइन जिससे यहाँ पे आप लिखोगे बिल संख्या, बिल संख्या। बिल संख्या का मतलब होता है कि कोई भी बहुत सारे कस्टमर होते हैं, अलग अलग वो सामान लेते हैं, क्योंकि एक जो शॉपकीपर होता है वो बहुत सारे लोगों का मतलब क्या करता है, वो बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अपने बेचता है। तो उसका बिल संख्या से उसको पता चल जाता है, हाँ इस पर्सन को मैंने वो देख के फटाफट से बता देता है कि इसका हिसाब इस पेज पर है, इस बिल संख्या पर है, ठीक है। अब ना तो वो ढूंढते जाए पेजेस को पलट पलट के, हिसाब से वो पेज पर कौन से बिल संख्या से वो देख के इजीली बता सकता है उस नंबर को निकाल के कि हाँ इस पे ये हिसाब है। तो यहाँ पे जो है बिल संख्या, अगर प्रश्न में नहीं दी गई हो तो आप अपने मन से देख लेना इसके, यहाँ पे मैं इसी के नीचे बिल संख्या यहाँ पे आ जाएगी। तो बिल संख्या प्रश्न में दी गई है 108 है, बिल संख्या है 108, यहाँ लिख देंगे आप 108। देन इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जो माल खरीद रहा है हिमराज, तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, नाम हिमराज, जो खरीद रहा है उसका नाम। और फिर यहाँ पे आ जाएगा जिससे खरीद रहा है उसका नाम उन्नत बीज भंडार, यहाँ पे आ जाएगा उसका नाम उन्नत बीज, ये बहुत है, ठीक है। थोड़ा सा इंक की वजह से थोड़ा सा ऐसे भर के देखो, एड्रेस हो तो लिख देना यहाँ पे वरना छोड़ देना। कानवास है वैसे तो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी दिनांक, नहीं हो तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो उस दिन की डेट हो, 30 अक्टूबर 2015, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा चौड़ा ये बनाना है जिसमें आप एक साइड में बिल संख्या, दूसरे में जो ना बिल जो खरीद रहा है चीज़ें उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे किस चीज़ किससे खरीद रहा है उसका नाम और बताओ तो लिख देना, और अपने वजह भी लिखना चाहो तो पता लिख सकते हो आगे। और डेट आ जाएगी यहाँ पे, दिनांक आ जाएगी। अगली लाइन में हम लिखेंगे कि क्या चीज़ है, ये कॉलम हमने किसका बनाया है, तो ये आ जाएगा क्रम संख्या, यहाँ पे आ जाएगी सामग्री का नाम, ठीक है सामग्री, और यहाँ पे आ जाएगी दर, रेट जो है वो मात्रा कितनी क्वांटिटी है, 1 किलो 2 किलो 5 लीटर ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगी राशि, मात्रा और दर को गुणा करने पर जो राशि आएगी कुल वो आएगी आपको, ठीक है। अब कितने हैं प्रोडक्ट, इसमें से 3 ही हैं तो हम लिख देते हैं 1, 2, 3, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे सामग्री का नाम क्या नाम है, मेन यहाँ पे है मक्का, पहली जो सामग्री है अपना मक्का, ठीक है। दूसरी सामग्री है वो है
पहली सामग्री है मक्का, दूसरी सामग्री है यूरिया, ये फसल वगैरह में डाली जाती है, ठीक है, फसलों में। तीसरी है कीटनाशक, कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी दर जो है वो है मक्का की प्रति किलोग्राम 37.25 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है, एक किलो का, और मात्रा है 5 किलो। इसी तरीके से यूरिया है 45 रुपये का आता है प्रति प्रति किलो, और वो खरीदा जा रहा है 35 किलो। और कीटनाशक जो है वो 235 रुपये लीटर है, लीटर इसमें खरीदी जा रहा है वो 1 लीटर, 1 लीटर। तो अब हम करते हैं दर और मात्रा, प्रति किलो है ये, तो प्रति किलो 5 किलो का निकालना है, या कोई भी संख्या होती है उससे गुणा कर देते हैं। तो हम यहाँ पे साइड में एक तरफ गुणा कर देते हैं, 37 और 25 बिना पॉइंट की संख्या को लिखेंगे, और फिर उसको कितना 5 किलो है ना, 5 किलो का निकालना, तो गुणा करके 55 का 5 हंसे लगी, 2 5 2 10, 10 में 2 जोड़ा 12 का 2 हंसे, 5 7 35 और 1 36, 36 का 6 हासिल, 3 5 15, 15 में 3 जोड़ा 18, ठीक है। और 2 संख्या से पहले यहाँ पे पॉइंट लगा दूँगी, प्रश्न में भी यहाँ पे है ना पॉइंट। तो 105 किलो कितने का आएगा, 186 रुपये और 25 पैसे, ठीक है। अगला 35, 1 किलो 45 रुपये का आता है यूरिया, तो 35 किलो कितने का आएगा, गुणा कर देंगे इसको भी, 55 का 5 हंसने की 2 5 20 और 2 22, 2 5 10 का 0 हंसने, 1 2 4 8 9, 1125। ठीक है, इसी तरीके से 235, तो 1 लीटर ही खरीदा जा रहा है 235। और अब जो ये राशि है इसको हम जोड़ लेंगे, तो कुल राशि जो यहाँ पे आ जाएगी, कुल लिखेंगे हम, तो इसको जोड़ लेंगे 186 और 25, यहाँ पे रुपये में नहीं है तो 0 0 लगा दो, ये भी रुपये में नहीं है तो इसको पॉइंट लगा के 0 0, 5 5 10 16 का 6 हासिल, 8 1 9 10 11, 11 3 14 4 हासिल, 2 3 4 5, 1546 यहाँ पे क्या है, 1546 रुपये 25 पैसे, ठीक है। ये आया और इसको हमें यहाँ पे शब्दों में लिखना है, इस तरीके से
प्रश्न हो गया, ठीक है। तो ये आपको अपनी कॉपी में करना है। इसके अलावा आपको प्रश्न तीसरा, इसमें क्या होता है, कुछ चीज आपको पूरा एज इट इज़ बनाना है। आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे जो है दर वो तीन सॉरी जो आपको यहाँ पे दर है वो 20 रुपये 25 पैसे दी गई है और मात्रा 3 पैकेट की है। तो 3 खरीदे जा रहे हैं पैकेट जो भी हैं, तो उसको आपको 20.25 को 3 से गुणा करके देखना है और जो राशि है वो चेक करनी कि सही है क्या। और इधर कुछ मिस्टेक है, गुणा गुणा करके आपको देखना है, कई बार क्या है गुणा करने पर गलत राशि दी गई है, तो राशि को चेक करना है कि राशि आपकी सही आ रही है क्या। सही है जिस जगह पर तो वही लिख दो, जहाँ पर अलग है तो वहाँ पर चेंज करके आपको सही से वापस प्लस करके करेक्शन करना है तरीके से। तो ये दोनों प्रश्न अपनी कॉपी में करना है। थैंक यू।